ऑलराइट गाइस, ये है Xiaomi 12 Pro जो हाल फिलहाल में बिल्कुल ताज़ा लॉन्च हुआ है और आज हम करने वाले इसका फुल ऑन परफॉर्मेंस टेस्ट। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, परफॉर्मेंस टेस्ट के लिए क्या चाहिए, कौन सा प्रोसेसर दिया हुआ है इसके अंदर, है स्नैपड्रैगन 8 जेन 1। और दूसरी चीजों के बारे में बताऊं तो यहाँ पे मिल जाता है 120 वॉट का फास्ट चार्जर और हाइपर चार्जर एंड उसके बाद में 120 हर्ट्ज की LTPO 10 बिट क्वाड HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले। और चार्जर की बात करूँ तो लिटरली ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और फर्स्ट टाइम हमने ये चार्जर देखा था 11i के साथ में Xiaomi के ही फ़ोन में। और लुक एट द केबल, कितनी ज़्यादा मोटी है। सो यस, हमेशा की तरह जो हमारा फॉर्मेट है हम उसी पे चलेंगे। सो Geekbench स्कोर निकल के आया है ये 1184, जो अब तक का मैंने सिंगल कोर में हाईएस्ट देखा है एंड मल्टी कोर में है 3284। उसके बाद में बात करूँ यहाँ पे 3D मार्क की तो बहुत ही अच्छा निकल के आया यहाँ पे। ये फ्रेम रेट जो दिख रही है आपको यहाँ पे 54, विच इज़ नॉट दैट ईजी टू ऑप्टेन। यस, 54 की फ्रेम रेट, काफ़ी स्मूथ चलाया इसने पूरा का पूरा टेस्ट। और उसके बाद में लास्ट में थोड़ी सी यहाँ पे आपको होगी निराशा, मुझे भी हुई बड़ी ही निराशा, ये है 77% के साथ में टोटल स्कोर। और यहाँ पे देख के ऐसा आएगा, अगर आपको मालूम है तो ये 67,000 और समथिंग जो है परफॉर्मेंस, विच इज़ वेरी वेरी लो अगर मैं बात करूँ तो। ये थ्रॉटल के मामले में और हीटिंग के मामले में 8 जेन 1 और 888 प्रोसेसर दोनों ही ज़्यादा अच्छे परफॉर्म नहीं करते हैं, उस मामले में 870 बहुत बढ़िया है। सो यस, तो मुझे चाहिए था ऐसा गेम जो इस फ़ोन को टक्कर दे सके, इसकी पावर को थोड़ा सा स्लो कर सके, तो कौन सा निकल गया। यस, अदर देन एपेक्स लेजेंड। सो यस गाइस, काफ़ी तगड़ा गेम बनाया हुआ है और इसके अंदर जो सेटिंग्स है वो काफ़ी हाई है और इसको ही आज हम खेलने वाले हैं। और लुक एट द क्वालिटी गाइस, लुक एट द क्वालिटी, कितना हाई सेटिंग्स पे है ये अभी भी। सो जाके देखते हैं कि इसमें जो है कौन सी सेटिंग्स ये बाय डिफॉल्ट हमको देता है। रिकमेंडेड यहाँ तक है, अल्ट्रा हाई तक जा सकते हैं, लेकिन इसमें एक्सट्रीम HD ओके क्लिक हो गया और ओके दिस इज ऑल्सो गुड एंड ओरिजिनल ओके यहाँ पे कुछ बता रहा है। अरे नहीं चाहिए अपने को, बैटरी रिड्यूस होगी तो कोई दिक्कत वाली चीज़ नहीं है। यहाँ पे देखो बैटरी में बता देता हूँ आपको हाथों हाथ 53 हो गई जब हम गेम को स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, तो एक्सट्रीम और अल्ट्रा पे मैं यहाँ पे रह सकता हूँ, ओरिजिनल के साथ में नहीं रह सकते क्या? क्यों ओरिजिनल के साथ में वेरी हाई भी नहीं जा सकता मैं। सो यस, जो हाईएस्ट सेटिंग मिलती है यहाँ पे वो हम जा सकते हैं एक्सट्रीम HD और अल्ट्रा फ्रेम रेट के साथ में। मैं इसको कर लेता हूँ कन्फर्म। अरे, और मैं सबसे पहले हमेशा की तरह यहाँ पे बता देता हूँ आपको टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास में है और रात का समय हो रहा है, कोई दिक्कत वाली चीज़ नहीं है। ऑलराइट गाइस, गेम हो चुकी है बूट और मैं कर रहा हूँ कन्फर्म। अभी तक सो फार कोई दिक्कत नहीं आ रही। और टू बी ऑनेस्ट गाइस, मैंने गेम पहले बहुत सारे फ़ोन्स में खेल के देखी है, स्नैपड्रैगन 8 जेन 1 में भी खेल के देखी हुई है और स्नैपड्रैगन 870 भी वहाँ पे इसी सेटिंग्स पे ये गेम खेल सकते हैं अपन। अब यहाँ पे मुझे सिर्फ क्या चेक करना है मालूम आपको, मुझे ये मेनली जो चेक करना है, आपको बहुत सारी चीज़ चेक करनी होगी, सब कुछ बताऊंगा मैं आपको, तो लेकिन मुझे चेक करना है इसका टेम्परेचर, हीटिंग कैसी है इसकी। 8 जेन 1 दिया हुआ इसके अंदर और हीटिंग का एक बड़ा इशू इस प्रोसेसर के साथ में बिल्कुल आता है। सो यस, मुझे मालूम है संभाल लेगा स्टार्टिंग के फ्रेजेस में, लास्ट का जो फ्रेज है मुझे वो चेक करना है मेनली। और थोड़ी मैं आवाज़ यहाँ पे बढ़ा देता हूँ। तो देखो, दो बैटल रॉयल के हैवी मैच करने वाले हैं। ओके, मिल गया, एनिमी मिल गया, पेलो। ओहो, कहाँ भाग रहा है, मार दिया। यस गाइस, चल अरे गन खत्म हो गई मेरी, कैसे मारूँ उसको। Yes. Oh, someone is here. Oh look, someone walked into our safe space. The horns attacking us. Being done, we've got time. Okay, phone थोड़ा heat करते हुए feel हो रहा है आप मेरे को। अपने को मारेगा साले।
रोबोट कौन और? चलट गाइज, एक चीज़ मैं जल्दी में लगाना भूल गया और वो है हमारा स्टॉप वॉच, और बिल्कुल ही भूल गया मैं, कोई बात नहीं, याद रखना अभी से कर रहे हैं और लगभग 15 मिनट की गेमिंग जो है मैं कर चुका हूँ। सो यस, ये रहा हमारा टाइमर। ओह देखा लैग देखा क्या आपने? यस, इसी का तो मैं इंतज़ार कर रहा था, मुझे मालूम था होने वाला। स्नैपड्रैगन 870 के आगे कोई नहीं टिक पाता है इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस एट द सेम टाइम सस्टेनेबिलिटी। ओके, कोई आ रहा है, सही में आ रहा है। ओ, मेरे पास में आ गए दो। अरे भाई, अरे अरे, नहीं, मैं नहीं मरना चाहता। स्नाइपर चलाओ। मर गया। ओए केरा, चलक। दोनों मर गए। ओ माय गॉड, डर गया मैं। बस सीन डटा अपनी। टच रिस्पॉन्स काफी सही है, 120 हर्ट्ज पे खेल रहे हैं बाय द वे अपन, पूरा का पूरा, कोई दिक्कत नहीं। ये रहा, गया, ये भी गया, और कोई और भी है। चलक, अरे हट यार, वो एक और है, तीन है, वो पूरी स्क्वाड जाने वाली है मेरे हाथ से, और ये गई। ओके, सो फार मैंने 23 मिनट्स का रिकॉर्ड कर लिया है, और ओके, समवन, आई जस्ट कॉट समवन। ओ, लैग गाइस, लैग हल्का सा, अब सही है। जैसे मैंने जूम इन किया तब लैग हुआ। वापस करते हैं। सही है। वो रहे। अरे नहीं, मरना नहीं चाहता मैं। ओ चल हट, चल हट, अपने साथ में नकल दे। ओ, एक और खड़ा है। अरे कितने खड़े हैं, तीनों साथ में आ जाते हैं। अरे तीनों गए। एक चीज़ मैं यहाँ पे एडमायर करूँगा गाइस, MI के स्पीकर जो है अभी बहुत तगड़े निकल के आ रहा है। जितने भी मैंने फ़ोन चेक किए अभी, लगभग आप 13,000-12,000 से ले लो और यहाँ तक, मतलब सबके जो स्पीकर्स हैं डॉल्बी एटमोस एंड ड्यूल स्पीकर्स काफ़ी सही निकल के आते हैं। इसके भी मैं आपको फुल वॉल्यूम सुनाता हूँ। देख रहे हो चीज़ बहुत क्लियर। और टू बी ऑनेस्ट, अभी लगभग मैंने हाफ एन आवर का यहाँ पर रिकॉर्डिंग कर लिया, यहाँ पे 11 मिनट दिख रहे हैं, तो मान के चलो कि इंट्रो के बाद में हमने 15 मिनट की नहीं 27 मिनट की गेमिंग कंप्लीट करने में लग गया है। टेम्परेचर बताता हूँ, सबसे इंटरेस्टिंग चीज़, मुझे फ़ोन काफ़ी हीट कर रहा है अभी। शायद हमने किस टेम्परेचर पर रिकॉर्ड किया था आई डोंट नो, मैं भूल चुका हूँ, लेकिन अब चेक करते हैं। और 43, और ये मुझे मालूम तक होने वाला है। और पीछे की साइड में 42.8 हाईएस्ट, और फोन वापस, ये पूरी बॉडी 43 गाइस, 43.1, ओके 43.2, ओके। तो यहीं कहीं पे प्रोसेसर होता है और 43 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच चुका है। फ्रेम ड्रॉप्स बिल्कुल दिखाई दिए, बहुत छोटी छोटी जगह में, बहुत ही छोटी सी चीज़ों में दिखाई दिए। और बैटरी लाइफ बता देता हूँ, 55 पे आई गेस चालू किया था, 42 हो चुके हैं 27 मिनट में हैवी यूजेस में, जहाँ पे ऑब्वियसली ये ड्रॉप नॉर्मल है। 5000 mAh की बैटरी है इसके अंदर, कोई दिक्कत वाली चीज़ नहीं, दिक्कत नहीं, जहाँ उतारेंगे वहीं सही। ओके, ड्रॉप दिखाई दे रहे हैं, फ्लिप ड्रॉप्स।
ओके, बहुत भयंकर वाला फ्रेम।